सत श्री अकाल, अजीत वेब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर ते अजीत खबरां दे इस बुलेटिन विच सब तो पहला नज़र मारदे हां अज दीआं चोणवीआं खबरां ते। कोविड लॉकडाउन दे चलदिआं कैप्टन वल्लों वित्तीय स्थिति की समीक्षा। धार्मिक अस्थान खोले जाण तों बाद संगतां श्री दरबार साहिब होईआं नतमस्तक। पंजाब विच स्कूल फीसां नूं लैके हाईकोर्ट विच 12 जून नूं होवेगी सुनवाई। सुखबीर सिंह बादल वल्लों श्रोमणी अकाली दल दी 19 मैंबरी कोर कमेटी का ऐलान। अपनियां मंगां नूं लैके पानी वाली टैंकी ते चढ़ियां अध्यापकां। ते हुण इन्हां चोणवीआं खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। करोना वायरस दे लंबे प्रभावां दे गंभीर खदशियां दा प्रगटावा करदिआं पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार नूं सारे विभागां नूं अपने खर्चिआं नूं तरकशील करन दे निर्देश दित्ते तां जो महामारी नाल लड़न दे लई फंडां दी घाट नूं यकीनी बनाया जा सके। दस्सेयोग है कि वित्तीय प्रबंधन बारे कैबिनेट दी अधिकारित कमेटी दी इक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं होई बैठक विच मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व भर के अध्ययन और रिपोर्टां दे नाल कोविड के नज़रिए एक गंभीर तस्वीर पेश की गई सी पर उस दे अनुमान चंगे नहीं सन। अज तो देश भर विच धार्मिक अस्थान खोले जाण दे सरकार दे फैसले दे चलदिआं सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे संगतां नतमस्तक होण लई पहुंचियां। इस मौके संगतां विच काफी खुशी दा माहौल देखण नूं मिलिआ। 2 महीने तो ज़्यादा समय तो कोविड-19 दे चलदिआं लॉकडाउन अते करफ्यू दौरान रस्ते बंद होण कारण संगतां गुरु घर नतमस्तक होण लई नहीं पहुंच पा रहीआं सन ते कई इतिहासिक दिहाड़े भी संगतां नूं घरां विच रहि के ही मनाउणे पए। अज सवेर तड़कसार तो ही संगतां सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होण लई पहुंचणियां शुरू हो गईआं ते उन्हां गुरु घर मत्था टेकिआ। बड़ी खुशी की गल है जी, बड़े लंबे समय तो साड़ी आस्था सी संगतां दी ते असीं दर्शन करन वास्ते आए हाँ, जिहड़ी साड़ी लंबे समय दी जी भुख है अज पूरी होएगी। ते जिहड़ी सरकार ने गाइडलाइन दित्ती है उहदा किन्ना कु पालना करन दे लोकी? उदां तां जी पालना करनी चाहीदी है तां कि साड़ी सेहत जिहड़ी ठीक रहे। बाकी जिथे साड़ी आस्था है उत्थे नाल सानूं सेहत दा वी ख्याल रखना पऊगा ते जिहड़े जो वी उहनां ने गाइडलाइन जारी कीतीआं उहनां नूं अडॉप्ट करना पऊगा। असीं शुक्र करदे हाँ वाहेगुरू दा, उस अकाल पुरख का कि शुक्र है अज सानू दर्शनों का मौका मिलया है। हरिमंदर साहब आने नूं तरस गए सी, 3 महीने तो पहला दर्शन किए ही, 3 महीनों बाद अज दर्शन करन दा मौका मिलया है। तो सरकार का भी शुकराना करते हैं जो अज उन्होंने सारे धार्मिक अस्थान के खुले दर्शन वास्ते परमिशन दिती है। पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार वल्लों स्कूल फीस दे 70% फीस वसूलन दे आदेश नूं वापस लैण दे हुकम लई कीती गई अर्जी ते नोटिस लैंदिआं निजी स्कूल एसोसीएशन अते पंजाब एडवोकेट जनरल नूं इकट्ठे बैठण अते 12 जून तक कोई सकारात्मक ढंग नाल हल लभण लई कहा है। हालांकि एसोसीएशन ने हल लभण लई सहमति दे दित्ती है, हुण इस मामले ते 12 जून नूं सुनवाई होवेगी। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल दी 19 मैंबरी कोर कमेटी दा ऐलान कीता। इस विच अहम गल ए रही कि पार्टी दे सारे पुराने ते सीनियर साथियों नूं दुबारा शामिल करदे होए पार्टी दे सीनियर आगू ते साबका मैंबर पार्लीमेंट जगमीत सिंह बराड़ नूं वी कोर कमेटी दा मैंबर बनाया गया। बादल वल्लों जिन्हां सीनियर आगुआं नूं कोर कमेटी दा मैंबर बनाया गया उन्हां विच भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल, बलविंदर सिंह पूंदड़, जथेदार तोता सिंह, चरणजीत सिंह अटवाल, निर्मल सिंह कालों, महेश इंदर सिंह गरेवाल, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, बीबी जागीर कौर, डॉक्टर रुपिंदरजीत कौर, सिकंदर सिंह मलूका, जनमेजा सिंह सेखों, बिक्रम सिंह मजीठिया, हरी सिंह जीरा, शरणजीत सिंह ढिल्लों, गुलजार सिंह रणीके, सुरजीत सिंह रखड़ा, बलदेव सिंह मान दे नाम शामिल ने। बरनाला दे एक प्राइवेट स्कूल दे प्रिंसिपल ते अध्यापकां विच होई तकरार मगरों स्कूल दे अध्यापक पानी वाली टैंकी ते चढ़ गए। इस संबंधी मामला पुलिस कोल पहुंच गया। टैंकी ते चढ़ियां अध्यापकां ने स्कूल प्रिंसिपल ते सैक्सुअल हरासमेंट ते ऑनलाइन पढ़ाई करवाउण संबंधी परेशान करन दे इल्जाम लगाए ने। अध्यापकां ने प्रिंसिपल ते सिक्खी ककारां संबंधी गलत शब्दावली वरतन दे भी इल्जाम लगाए ने। दस्सिया गया है कि प्रिंसिपल आंध्र प्रदेश दा रहण वाला है, जदके स्कूल प्रिंसिपल दा कहना है कि सैक्सुअल हरासमेंट दे आरोप सरासर गलत ने। पुलिस मामले दी जांच दा हवाला दे रही है। ए जी मंगा ने साडियां भी जिहड़ा प्रिंसिपल सर है उहदे उत्ते परचा दर्ज कीता जावे जी, उहदियां धक्केशाहियां साथों हुण होर नहीं बर्दाश्त होंदियां जी, होर बर्दाश्त नहीं होंदियां जी, बहुत बर्दाश्त कर लिया जी, हुण नहीं बर्दाश्त होंदा साथों, बहुत धक्केशाहियां जी, बहुत ज़्यादा धक्केशाहियां ने जी, जिन्हां नूं इन्हां ने
जिन्होंने इन्होंने इतने जे इन्हें चमचे ने जी उन्होंने तो 60-60, 50-50 हज़ार रुपया तनखाह लेंगे ने जोड़े असी क्वालीफाइड टीचर हैं जी उन्होंने 10-10, 15-15 हज़ार से वो कम करते हैं वो भी सानू हुण तनखाह नहीं दी गई जी। असी तो जी 2 साल तो संघर्ष कर रहे हैं जी साढ़े ना साड़ी तो गल किसी ने नहीं सुनी असी तो मोदी तक चिट्ठिया पाती जी असी तो हूँ अके हुए असी तो हूँ मरांगे जी। बहुत बहुत हमेशा माड़ा चंगा ही बोलता जी वो चंगा तो किसी ने बोलता ही नहीं। इन्हों का जी टीचर का मतलब एक टीचर हैगा तो वो होर भी टीचर है संबंधित वो प्रिंसीपल साहब ना आपस डिस्प्यूट है प्रिंसीपल कॉलेज स्कूल के नाल तो इस मामले की इनकुआरी चल रही है तो जो हम DSP साहब के अच्छ दफ्तर बुलाया गया से इन्होंने DSP बरनला के नाट साहब के उत्थे चल रहा है वो जी अगे इनकुआरी तो जो गल होगी वो मुताबिक बनती कार्रवाई जिदा भी पक्ष जिदा भी खिलाफ होया जिद जो भी उपरों डायरेक्शन होएगी इनकुआरी जो सामने आऊगा DSP साहब कर रहे हैं कार्रवाई की जाऊगी। बाबा गंदा सिंह स्कूल मैं दसी जाना भी DSP साहब को है अगर जो जो भी फैक्ट आने जिदे भी खिलाफ आए तो कार्रवाई की जाऊगी। हाँ अफसर ध्यान च लिया गया अगर चल रहे जी लंबे समय तो टैंकी पुलिस प्रशासन वालों की कार्रवाई इन्हों कहा गया जी समझाया गया वा अगे हूँ जिमें अफसर अगे आए जी कह उस मुताबिक इन्हें समझाया भी जो बनती कर रही है DSP साहब कर रहे हैं। तबीयत खराब होने कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को एकांतवास कर लिया है। जानकारी मुताबिक केजरीवाल को कल तो हल्का बुखार ते गले विच खराश सी कोरोना वायरस के खतरे को देखदिया कल उन्हों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। बठिंडा विच लॉकडाउन ते करफ्यू दौरान भी नशे की तस्करी धड़ल्ले नाल चल रही है। बठिंडा पुलिस ने 2 नशा तस्करां नूं 19 क्विंटल चूरा पोस्ट नाल गिरफ्तार किया है। दोवें अपने हरियाणा नंबर के टैंकर विच 200 थैले आटे दे हेठा नशा लुको के लैके जा रहे सन। बठिंडा दे पिंड जीदा रोड ते पुलिस ने नाकेबंदी दौरान दोवें नशा तस्करां नूं काबू किया। इन्हां कोलों पुलिस ने नशीले पदार्थां दी वड्डी खेप बरामद की है। इस बारे जानकारी देंदिया इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस ने कहा कि दोवें नशा तस्कर फिरोजपुर के रहण वाले ने जिन्हों का नाम परमजीत सिंह ते गुरमीत सिंह है। उन्होंने दस्या कि इन्हां ते पहला ही NDPC एक्ट तहत कई केस दर्ज ने। फिलहाल पुलिस ने दोवां नशा तस्करां नूं गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। एक इनफॉरमेशन बेस दे उत्ते एक पूरा ट्रक भर के 407 का कोई 19 क्विंटल चूरा पोस्ट जिहड़ी कि बॉर्डर तो पार राजस्थान साइड तो आ रही सी इत्थे नाका ला के वो फड़िया उहदे विच जिहड़े 2 मुलजम सीगे उन्हां दोवां नूं गिरफ्तार किया। उन्हां दी गड्डी भी उहनूं लई कब्जे दे विच लई और उन्हां दे खिलाफ जिहड़ी है बंदी कार्रवाई की है। तकरीबन 19 क्विंटल 100 बैग जिहड़े है चूरा पोस्ट वो रिकवर होया। इन्हां दोवां दे उत्ते ही पहला परचे दर्ज है क्रिमिनल बैकग्राउंड है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच इन्हां दे खिलाफ परचे होए हुए ने। ये हाले ये ट्रांजिट सीगा ये ट्रांजिट का मतलब है कि उधरों आ रही सी अगे जानी सीगी हुण असीं इन्हां नूं क्योंकि गिरफ़्तार कर लिया इन्हों का बैकवर्ड तो फॉरवर्ड प्रॉपर वे दे नाल लिंकेज देखा जाएगा कितों लैके आए कितने जा रही सी क्योंकि आप इंटरसैप्ट की थी इतने सो वो प्रॉपर उन्हों का देखा जाएगा और जिहड़ा उस तो अगे जिहड़ी कोई कार्रवाई होंदी होएगी वो डेफिनेटली असीं करांगे। SGPC के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिया कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलदियां सालाना इजलास नहीं हो पाया सी इसलिए 3 महीनों के खर्चे लिए फंड नूं मंजूरी दी गई है। इस मौके उन्होंने यह भी कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 100 साल स्थापना दिवस आ रहा है जो कि 15 नवंबर 2020 मनाया जाएगा। श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर के मंजी साहिब दीवान हाल में मुख समागम होंगे। इस भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने स्पष्ट कर दिया कि गुरुद्वारा साहिबान प्रसाद से लंगर निरंतर जारी रहेगा। लोंगोवाल ने कहा कि लंगर ते पंगत गुरु घर की मर्यादा है ते इस ते कायम रहा जाएगा। उन्होंने इस बाबत सरकार नूं चिट्ठी भी लिख दी है। तुहानूं दस दईए कि सरकार वल्लों जारी हदायतां मुताबक गुरुद्वारा साहिबान विच लंगर ते प्रसाद ते रोक लगाई गई है। जो एग्जैक्ट कमेटी दी मीटिंग ओह कीती गई है इक तां इह सी कि श्रोमणी कमेटी दा जिहड़ा बच अजलास सी करोना कारण लॉकडाउन होने कारण वो नहीं हो सकिया पिछले असी 3 महीनों का जिहड़ा साढ़े खर्चे दियां प्रवानगियां दित्तियां सी जिहड़ियां 30 जून तक उहदा डेट सी कि तां अज असी अगले 3 महीनों के वास्ते इन्हां हालातों नूं
मुकरदे हैं क्योंकि इकट्ठ करना बहुत संभव नहीं है, इजलास करना संभव नहीं है, इसलिए अगले तीन महीनों के हर तरह के खर्चों की जी है अज की साड़ी इजेक्ट कमेटी ने वो प्रवानगी दी गई है। दूसरा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की 100 साल जिहड़ा स्थापना दिवस है वो आ रहा है, जिहड़ा बहुत ही विशाल पद्धर से 15 नवंबर 2020 ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ये 15 नवंबर 2020 हाँ ये श्री अकाल तख्त साहब अते गुरद्वारा श्री मंजी साहब दीवान हाल अमृतसर विखे सारे वड्डे जिहड़े समागम ने वो किते जाणगे। इस तों इलावा जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मानमत्ता इतिहास है, कुरबानियां भरिया इतिहास है और जो हुण तक श्रोमणी कमेटी की कारगुजारी है, जो काम किए गए ने उहदे बारे सारी एक डाकूमेंटरी फिल्म तैयार की जाऊगी और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो इतिहासक पिछोकड़ है, विकास योजना योगदान जो हुण तक कीता, प्राप्तियां कीतियां ने, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਉੱਪਰ ਡੀਓ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਓ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਜ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੋ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 22 ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਧਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਭ ਝੂਠ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਧਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭੀਮਾ, ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਅਤੇ 11 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UAPA ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, UAPA ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ,
उन्होंने प्रॉपर उन्होंने जगह पर पहुँचाया जाए और उन्होंने जो मदद करने की जरूरत है वह किया जाए ना कि पुलिस का राज उन्होंने कुटिया जाए। लुधियाना के थाना सराबा नगर अधीन आते सनेत विच बीती रात दो परिवारों में आपसी कलेश होया जिस तो बाद एक व्यक्ति वालों फाहा लैके खुदकुशी कर ले गई जबकि मरण तो पहला उसने गुआंढ विच जिन्हां नाल की उसकी लड़ाई हुई सी उन्हां दी दुकान नूं भी अग दे हवाले कर दिता। पीड़ितों ने दस्या कि प्रवासी जिसकी उम्र लगभग 35 साल के करीब सी बीती रात तो ही उन्हां नाल लड़ाई झगड़ा कर रहा सी ते खुद नूं मारन की धमकी दे रहा सी ते इल्जाम उन्हां दे सिर लगाउण दी गल कह रहा सी जिसकी उन्होंने पुलिस नूं शिकायत भी की सी जिस तो बाद देर रात उसने ना सिर्फ पीड़ितों की दुकान नूं अग दे हवाले कर दिता सगो खुद भी तड़कसार फाहा लैके खुदकुशी कर ली। पीड़ितों ने इंसाफ की मांग की है ते कहा है कि उसकी खुदकुशी विच उन्हां दा कोई हाथ नहीं है। उधर ACP समीर वर्मा ने कहा कि मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई आरंभ दी गई है ते लाश नूं पोस्टमार्टम लई भेज दिता गया है। सवेरे जी एक प्रवासी शाम दुबे एज अराउंड 30-35 ईयर इहदी जिहड़ी बॉडी है सानूं मिली सी लटकदी ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲੇ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਥਾਣੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ 5 ਵਜੇ ਲੇਡੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 'ਚ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੇ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਲਟਕ ਕੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। चीन के वुहान शहर तो शुरू होकर संसार भर में फैले कोरोना वायरस की रोकथाम ते इस नूं अग्गे फैलण तो रोकण लई केंद्र सरकार वालों देश भर में की तालाबंदी दौरान गुजरात तो ड्यूटी निभा के वापस परत रहे एक BSF जवान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने तो बाद BSF के होरना जवानों के अज सिविल हस्पताल अजनाला विखे कोरोना वायरस की जांच लई सैंपल ले गए। सूत्रों तो यह भी पता लगा है कि इन्होंने सारे जवानों को एकांतवास कर दिया गया है। देखो, ये सिविल सर्जन अमृतसर जी के दिशा निर्देश के मुताबिक असी इतने अपनी फ्लू कारनर के उत्ते जिहड़े कोरोना के लिए सस्पैक्टड के बंदे है उन्होंने असी जिहड़े ने सैंपल लेंदे है। सैंपल लैके असी अपनी IDSP लैब जी सिविल हस्पताल अमृतसर भेज दें, तो वह गुरु नानक हस्पताल भेज देंगे। अज 100 तो ज़्यादा लोगों के असी जिहड़े ने सैंपल लए है, जिन्हां दे विचों 60-65 के करीब जिहड़े हैगे ने BSF के जवान सीगे, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ IDSP ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।